और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और वो दावा ये है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ये कहा कि दो साल की जांच में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन बड़ा दावा ये किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल हैं और आने वाले समय में भी अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। सीएम का चेहरा यहां पर किसी भी रूप में बदला नहीं जाएगा, अगर जेल में भी रहें तो जेल से ही दिल्ली की सरकार अगर कोई व्यक्ति चलाएगा तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये आतिशी ने साफ कर दिया। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दो साल में एक रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद एक रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको समझाती हूँ। संवैधानिक रूप से आप समझिए पहले कि केजरीवाल के सीएम बने रहने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। कानून और संविधान में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। जांच और ट्रायल के दौरान सिटिंग सीएम जेल से भी सरकार चला सकते हैं। अब जेल हुई तो सीएम को कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी होगी। दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने तक सीएम बने रह सकते हैं। अब तक सिर्फ नैतिक आधार पर सिटिंग सीएम ने इस्तीफा दिया है, यानी कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप जेल चले गए तो फिर आपको इस्तीफा देना होगा। आनंद मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, संवैधानिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहते हैं तो सरकार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सारी कैबिनेट उन्हीं को रिपोर्ट करेगी, गुड गवर्नेंस लोगों तक पहुंचेगी कैसे? देखिए लवीना, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, हमने तिहाड़ जेल के बड़े अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि जेल मैनुअल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जिसे कि गिरफ्तार किया गया है किन आरोपों के चलते वो जेल में रहकर अपनी सरकार चलाए, क्योंकि जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल के अंदर कोई कैदी या अंडर ट्रायल जो होता है वो आके फाइल्स उसकी साइन करवा रहे हैं या अंदर से वो अपना मुख्यमंत्री का कामकाज देख रहे हैं, तो ऐसा जेल मैनुअल में अब तक कोई प्रावधान नहीं है। आज जो तिहाड़ जेल के बड़े अधिकारी हैं वो एक बार फिर से जेल मैनुअल को अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में अगर जाते हैं न्यायिक हिरासत में ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद तो क्या उन्हें इस तरह की कोई राहत मिलेगी कि वो उनके जो सरकारी कामकाज है वो तिहाड़ जेल से करें। लेकिन तिहाड़ जेल सूत्रों ने इससे साफ इंकार कर दिया, उनका कहना है कि ऐसा जेल मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अंडर ट्रायल या कन्विक्टेड जो कैदी होता है वो अंदर से अपनी फाइलों पे साइन करे या सरकारी कामकाज को जो है अंदर से वो कर पाए। ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ते हुए दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और ईडी पर बहुत जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रही है। अब दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगा दिया है कि ईडी की छापेमारी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत मिले ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया, सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी, कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज़, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। हाई कोर्ट कहीं से राहत नहीं मिली, ये एक इतिहास है। और ऐसी ढीठ सरकार है दिल्ली के अंदर, जो उसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आ रही, अभी भी छाती ठोक कर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। और खुद एक के बाद एक अरेस्ट होने के बाद आज मुख्यमंत्री भी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए। मानव मेरे साथ लगातार मौजूद है। मानव, अब मैं चाहती हूं कि एक बार जरा सरल भाषा में आप दर्शकों को ये बता दें कि जब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का रुख करती है तो वो ग्राउंड्स जो गिरफ्तारी के लिए इससे पहले तैयार किए गए ईडी की तरफ से, या कुछ ऐसे पुख्ता सबूतों की बात कही गई होगी जिससे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो ये वाले जो पूरे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, जो 7 बजे न्यूज 18 इंडिया ने भी दर्शकों को बताई, तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ईडी अपने ग्राउंड्स वहां भी रख सकती है? यानी कि ये हो सकता है कि गिरफ्तारी से जो राहत आम आदमी पार्टी मांग रही है वो मिले ही ना? बिल्कुल, देखिए, और अरविंद केजरीवाल के लिए राहत के तौर पर ये आखिरी पड़ाव होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को खुला है, इसके बाद अगले 9 दिन यानी अगले रविवार तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, होली की छुट्टियां हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा उस पर भी जरा गौर करने वाली बात है, क्योंकि एक बंद कमरे में बाकायदा दस्तावेज जैसा आपको दिखाए गए कि क्या क्या सबूत ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के उनको लेकर हैं। और इसके बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हम इस मामले की सुनवाई आगे चलती रहेगी, वो सब हेयरिंग उस पर होती रहेगी। इसके बाद राहत अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली, और उसके कुछ घंटों के बाद ही ईडी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे खटखटाते हुए सिविल लाइंस के उनके सरकारी आवास पर पहुंच गई। 2 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी कल रात को 9 बजे। और अब सुप्रीम कोर्ट कल 8:57 पर ऑनलाइन एक हियरिंग की एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डाली है, उस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कितना एंटरटेन करता है ये भी देखना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के उस जवाब को भी, उस उनको राहत ना देने की बात को भी कहीं ना कहीं जहन में रखकर ही आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन अंतिम पड़ाव है अरविंद केजरीवाल को, अगर राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, वरना आगे अगर ईडी को रिमांड मिलती है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया, गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता दिया, तो अरविंद केजरीवाल जरूर छूट सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लगाई तो यहाँ से फिर रिमांड पर ईडी अरविंद केजरीवाल को लेगी, राउस एवेन्यू कोर्ट से मांग करेगी, और उसके बाद रिमांड अगर खत्म होती है तो उसके बाद उनको फिर जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी में उनको आगे भेज दिया।